बनी है, मेरे बाल देखो क्या कर रहे हो। टाइम पास, सैटरडे का फुल टाइम पास चल रहा है इधर। कुछ खाना वगैरह खिला दो यार। खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से तुम्हारी बनती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कुछ बोलो, बोलना चाहोगे? हाय गाइस। सो मैंने आज बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंबई में, सैटरडे का दिन है बट आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने पोनी कर ली है। ये साइक्लोन के पोस्ट इफेक्ट है मुंबई में। हाँ यार, और ठंडा होने के बाद में काफी ह्यूमिड होता है क्योंकि बारिश का पानी जब इवेपोरेट होता है तो ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है। वाह वाह वाह, क्या बताएं। और आप एक बुक लिख लो। और मुंबई में वैसे भी ह्यूमिडिटी हमेशा ही रहती है। सही बात है, तो 70% रहती है, 90% पहुंच जाती है बारिश के बाद। ओके, सो हम लोग की मॉर्निंग हुई है सुबह 11 बजे। हमारी दीदी जो है, जो हमारे घर के काम करके जाती है, वो आज बहुत लेट आई थी। और हम लोग ना उनके डर अच्छा से लेट है, नहीं तो हम लोग उनके डर से ना जल्दी उठ जाते। यानी कि हम वैसे जल्दी है क्योंकि हम लोग ने सोचा था कि फ्राइडे नाइट है तो थोड़ा सा आराम से सोया जाए और आराम से उठा जाए। बट दीदी जो है हमारी 11 बजे हमेशा आ जाती है, बट आज वो 11:30 बजे आई, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पर ऐसा रहता है यार, रेवन ये मेरे बाल देखो। यार ये क्या है, मैंने तो इधर पोनी डाली, ये बाल इधर क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा भी हो गए। साइक्लोन में उड़ते उड़ते मेरे में आके चिपक गए। किसी और के तो नहीं है। सो दीदी जो है हमारी 11:30 बजे आती है और आज उन्होंने एक कबूतर पकड़ने का काम किया। हमारे घर की जो बेडरूम की खिड़की है वहाँ पे कबूतर आ गया था, जो कि मैं और रेवन शायद हम दोनों होते तो दिन भर उसी को देखते रहते कि वो बेडरूम में ना आ जाए। कबूतर जाली लगी हुई है फिर भी वो वहाँ पे आ गया था। तो हम लोग ना उसी को देख रहे थे, फिर दीदी आई हमारी, हमने उसको कहा कि दीदी अगर आपको पकड़ते आता है तो, क्योंकि वो पूरा दिन उधर ही रहता है, उसको जाने को समझ में ही नहीं आता। आ तो वो गया पर उसको जाने का नहीं समझ रहा था। हाँ, तो चलिए अभी कुछ खाया जाए यार रेवन। लाओ यार से भूख लग गई। ये तुमने आज सैटरडे संडे मुझे कुछ कुछ क्या दोगे? मैंने अभी इसके अंदर मिल्क उसड़ हम लोग महाराष्ट्रियन में बोलते। बनाई तो मैंने वो, बट रेवन सर्विसिंग अर्बन क्लियर। सो ये है ग्रीन पीस, जो सूखा ग्रीन पीस होता है ना, उसका हम लोग पहले ओवरनाइट उसे भिगाने डालते हैं और उसके बाद इसको ओनियन वगैरह का तड़का मार के इसका उसड़ बनाते हैं। महाराष्ट्रियंस में इसे उसड़ बोला जाता है बट मुझे नहीं पता कि क्या बोला जाता है। हम लोग आदि मराठी और हिंदी वाले, हमारी सिचुएशन है ना, हम इधर के हैं ना उधर, दोनों तरफ हमारे पैर है। अपने आप को ऐसे मैं आज सुंदर दिख रही हूँ। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मैंने 3000 रुपए के ये जो है नेल आर्ट किया है, 3000 रुपए लगा है गाइज मैंने। यू कैन सी कैसे है, प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आपको ये जो है नेल आर्ट प्रोफेशनल जो है जिनसे मैंने कराया है, वो होम सर्विस भी देती है। सो अगर आपको करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है, 3000 रुपए मैंने लगाए हैं। बाय। बहुत तरीके से झूठ बोला गया है यार। बहुत सुंदर, मैं तो कल से ऐसे ही कर रही हूँ। कितना सुंदर है, मैं आपको अपनी तारीफ कर लो। मैं ना इसको आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ। 2 hours later
सो जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेवन अभी मैंगो शेक बना रहे, तो चलिए जाके देखते हैं क्या बना रहा है बंदा। एकदम प्रो स्किल ब्रो। यस, एकदम प्रो स्किल है। क्या आप इसमें पीएचडी कर रखी है? नहीं, अभी मास्टर्स चल रहा है। मास्टर्स चल रहा है। सो आपके पास जूसर नहीं है? गरीब लोग हैं हम लोग, हमारा जूसर नहीं, पर हम जूसर से भी अच्छा जूस बना लेते हैं मिक्सी में। तो इसमें ना हम लोग हमेशा मिल्क शेक बनाते हैं, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी। मल्टीपर्पज है यार ये तो अपना, फिर मल्टीपर्पज है। और इसमें ना हम लोग ये मसाला भी पीस लेते हैं, बैटर भी बना लेते हैं। तो ये कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन। वाह बहुत अच्छी। और मेरे नेल्स कितने अच्छे लग रहे ना। बस हो गई तारीफ। देखिए गाइस, ये मैंगो का बैकग्राउंड, मैंगो पल्प का बैकग्राउंड के साथ मेरे 3000 के नेल्स। बहुत, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सो हम लोग के वैसे हम लोग का मैंगो शेक पीने का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। जब भी हमें मन करता है कि मैंगो शेक पीना चाहिए तो हम बना लेते हैं। कभी रेवन बना लेता है, कभी मैं बना लेती हूँ। पर मैंगो के सीजन में मैंगो शेक पीना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो मैंगोस को बुरा लग जाएगा। यस, अगले साल नहीं आएंगे, अगले साल ज्यादा नहीं आएंगे, इसलिए मैंगोस को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मान सम्मान देने के लिए हमें मैंगो शेक, मैंगो जूस, ये सारी चीज बनाना पड़ता है। फलों का राजा है मैंगो, 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 मैंगो। और वैसे हम लोग ये कौन से मैंगो का बनाते, कभी केसर का बना लेते हैं, अभी बादामी, आज बादामी का बना रहे हैं। और कौन से, तोता फरी, तोता फरी जो काट के खाने के लिए, काट के खाते हैं। तो चलिए अभी रेवन शुगर ज्यादा नहीं डालने दो, कमी। और हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि दूध आता है हमारा 8 बजे, पर हम गर्म करने रखते हैं उसे। जब हम सो के उठते हैं उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद 11-12 बजे तक के दूध गर्म होता है। और मैंगो शेक, मैंगो शेक पीने का जो हमें मूड किया था आज, वो किया था हमें 12 बजे, है ना? Yes. और उस टाइम पे दूध भी गर्म नहीं था, तो रेवन ने जीत करने बैठ गया कि उसे कच्चे दूध से ही मैंगो शेक पीना है। भाई बने का मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। पहले दूध गर्म दूध पका के ही, थोड़ा उसे नॉर्मल टेम्परेचर में करके ही हम मैंगो शेक बनाएंगे। थोड़ी ना दूध को फ्राई करना। अरे आपने दूध बहुत कम डाला यार, वो कप नहीं कर रहा पुराना वाला। अच्छा, मिक्स दूध के बना रहे। तो चलिए मैंगो शेक रेडी होता है, तब तक के हम वेट करते हैं आगे जाके। यू नो आज हमारी मेजवानी होने वाली है। लो ऐ छोटा, आप बड़े, तूने तो बहुत ही जबरदस्त बनाया भाई। अबे टेस्ट करके तो बताओ। जन्नत जन्नत है भाई। जन्नत। क्या आपकी आत्मा तृप्त हो गई? बहुत, एक एक ऐसा पार्ट तृप्त हुए जैसा लग रहा है। बहुत ही सही बना है, बहुत सही। कुछ दो शब्द, आपने इतने मेहनत से ये बनाया है तो आज मैं आपको घुमाने के लिए टेरेस पे लेके जाऊंगी। सो गाइस, खा पी के हो चुका है और अब किया जाएगा आराम। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे और यहाँ पे बैठे हैं प्रीतेश भैया के पापा। सो इनकी थोड़ी तबीयत अभी ख़राब है बहुत दिन से, तो ये ऊपर आके बैठ जाते हैं टेरेस पे थोड़ी देर के लिए। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, सोचा कि ऊपर आके थोड़ा सा टहल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और गाइज, नज़ारा कुछ ऐसा है, मौसम अच्छा है बट बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं थोड़ा मेकअप शेकअप हल्का टचअप करके आई हूँ क्योंकि मैं रील्स में वीडियो बनाऊंगी, अभी इंस्टाग्राम रील्स के लिए कुछ वीडियो बनाऊंगी। सो गाइस, आपने अभी तक के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट जाके मुझे फॉलो कीजिए और मेरे रील्स देखिए, मेरे रील्स का मज़ा उठाइए। रेवन अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए गए हैं घर पे, कुछ सामान मैं भूल गई थी वो लाने के लिए गए हैं।
तो चलिए, अभी मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही मस्त मौसम है। ये सारी इधर आईटी कंपनियां हैं इधर साइड में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा आईटी कंपनी है इधर। सो और ये साइड में है हाईवे, जो पुणे एक्सप्रेस हाईवे है। एकदम हाईवे जो है हमारे घर से एकदम पास में है, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे पुणे मुंबई हाईवे लग जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आज का ब्लॉग जितना भी शूट हुआ है, ये हुआ है आईफोन 12 प्रो मैक्स, जो कि मुझे रेवन ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया है। सो हमने आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया 256 GB। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी क्लियरिटी कैसी है, आप मुझे ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा फ़ोन तो है, बट इसके कुछ थोड़े इसके निगेटिव पॉइंट्स भी है, जो कि मैं आपको आगे मैं कभी वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए, अभी रेवन भी आ चुका है। हे रेवन, मेरा सामान ट्राइपॉड लेने के आया था। तो चलिए अभी कुछ रील्स बना लेते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के रील्स बना के फाइनली हो चुके हैं तालिया, और हमें कंपनी देने के लिए हमारे मिस्टर एंड मिसेस देसाई भी है, उन लोग भी फोटो सेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ने अंकल का भी फोटो सेशन किए, और उन्होंने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमारे साथ में, है ना काका। उन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें मराठी आती है, तो मैं उनको पूछती हूँ, काका तुम्हारा आवड़ला ना आता फोटो वगैरह काढ़ायला, असं करा। अंकल हाथ फ्रीज हो जाते। सो बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा बना है, देख सकते हैं। और यहाँ पे सब दूर दूर की पहाड़ियाँ भी दिखती है, आसपास थोड़ी पहाड़ियाँ भी है। ये एरिया काफी अच्छा है यार, काफी अच्छा है। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। एंड करने से पहले हमारी कंपनी से एक बार मिला लूँ। नहीं नहीं, अच्छे शब्द होने भी तो चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए अच्छे शब्द भी निकलने चाहिए। ठीक है, वीडियो तो खत्म होगा, फिर हम बात कर लेंगे। और मैं अच्छी अच्छी डिशेज बनाती हूँ, फिर इनको देती हूँ खाने के लिए। कल का एक्सपेरिमेंट बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा एक्सपेरिमेंट था कल का, जो भी था बेचारा भूखा। क्या बताया था वैसे मैं? आलू का आलू टिक्की के जगह आलू पराठे हो गए थे विदाउट आटा, और भूखा से ना। पर उसके अंदर चीज भी था, ये एक बहुत अच्छी चीज। मैंने वो चीज के कारण ही खा पाया मैं, चीज ने बचा लिया, चीज ने बचा लिया, नहीं तो भी भूखे से ना। सर बताओ, उसमें चीज ही एक ऐसी चीज थी जिसने रेवन को सहारा दिया। भूख मेरी मारा, इसमें बहुत अच्छी कुक भी हुए ऐसे मुझे लगता है। ओह नो, तो इन लोग मेरी बेइज्जती करते रहते, ठीक है। कभी कभी वो भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे दिन आ ही जाते। बड़े बड़े लोगों को ऐसी होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें निगेटिव कमेंट्स आते ही रहते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैंने इनको इग्नोर कर दिया। आई नो कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं सबको खिलाते पिलाते रहती हूँ अच्छा अच्छा सा खाना। तो आज खाना ही नहीं बना। आज बिस्मिल्लाह, आज सिर्फ नाश्ते पे ढगाया गया। बेइज्जती पूरी लाइव दिखाई जाएगी। सब ये सब वीडियो कट होने वाला है। अच्छा बोला, सिर्फ वो ही वीडियो में जाएगा, बाकी सब ट्रिम हो जाएगा, कैसी चल जाएगी। तो मेरे हाथ में, तुम लोग कुछ भी बोल लो। तो गाइस, वीडियो को किया जाएगा यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ये बोला गया है बिहाइंड कैमरा दीदी, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। मैंने इतना महंगा फोन भी लिया है गाइस, तो सभी EMI निकलना चाहिए। वैसे तो हमने EMI पे लिया नहीं है, बट ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।